हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे अगले सप्ताह की यानी पंद्रह से बीस अप्रैल तक भरी हुई शिक्षक डायरी की तो चलिए करते हैं शुरुआत सबसे पहले हमें सोमवार को यानी पंद्रह अप्रैल की शिक्षक डायरी हिंदी में मौखिक भाषा विकास में हमें कहानी सुनो और क्रमबद्ध करो पर कार्य करना है मतलब हमें क्रम लगवाना है बच्चों से द च शब्दों की सूची बनानी है और पठन कार्य कराना है क्या अच्छा लगा बच्चों के साथ गतिविधि करानी है उन्हें स्कूल में क्या अच्छा लगा रास्ते में क्या अच्छा लगा वो सब बच्चों से पूछना है गणित में गिनने के सिद्धांत पर हमें कार्य करना है जिसे हम गतिविधि के द्वारा कराएंगे आप अन्य गतिविधि भी यूज कर सकते हैं चार पाँच में हमें नेक्स्ट पार्ट यूज करना है पर्यावरण में पार्ट दो स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय पर कार्य करेंगे तो वहीं प्रकृति में मेरा परिवार मेरी प्रेरणा नेक्स्ट है सोलह अप्रैल की चर्डरी जिसमें हमें हिंदी में मौखिक भाषा विकास में चित्रात्मक घटनाक्रम की समझ पर कार्य करना है और आ हा और ए की मात्रा पर बच्चों के साथ काम करना है शब्द सूची बनानी है रेमेडियल कार्य करना है गणित में एक से नौ तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ पर कार्य करना है शून्य की समझ की अवधारणा बच्चों में विकसित करनी है उसकी समझ बच्चों को करानी है पर्यावरण में कौन क्या करता है मतलब कौन क्या व्यवसाय करता है इस पर बच्चों के साथ मौखिक चर्चा करनी है परिवार की मदद मतलब से आगे बढ़ने वाले बच्चों यानी जो लोग आगे बढ़े हैं उन पर बच्चों के साथ चर्चा करनी है नेक्स्ट है क्योंकि सत्रह अप्रैल का अवकाश है नवमी का इसलिए हम यहाँ अठारह की देखेंगे डायरी तो अठारह को हमें हिंदी में चित्र चार्ट बरसात पर, पर कार्य करना है चर्चा करनी है बच्चों के साथ ग घ आ शब्द सूची और पहचान पर कार्य करना है शब्दों के अर्थ पर बच्चों के साथ चर्चा करनी है कठिन शब्द होते हैं बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनके साथ हम चर्चा करेंगे गणित में संख्या रेखा पर कार्य करना है संख्या रेखा के साथ हम गतिविधि भी करेंगे जिससे बच्चे उसे अच्छे से एक बार में समझ जाएं। वही पर्यावरण में हम कब किसके पास जाते हैं मतलब कब किसकी हमें ज़रूरत होती है इसके साथ बच्चों के साथ चर्चा वहीं प्रकृति में लुइस ब्रेल सुधा चंद्रन आदि पर बच्चों के साथ हमें चर्चा करनी है मतलब जो लोग परिवार की मदद मतलब से आगे बढ़े हैं समस्याओं को झेल कर आगे बढ़े हैं उनके बारे में बच्चों को बताएंगे नेक्स्ट है उन्नीस अप्रैल की चक्टरी जिसमें हमें हिंदी में मौखिक भाषा विकास में गतिविधि करानी है जो मैं कहूँ बच्चे वो करके दिखाएंगे दूसरा है या ज एवं मात्रा है ओ इससे बनने वाले शब्दों की सूची हमें बच्चों के साथ करनी है पढ़ानी है रेमेडियल कार्य करना है गणित में पीछे से गिनती करने का क्रम यानी उल्टी गिनती हमें सिखानी है एक से बीस तक स्टार्टिंग में समूह कार्य कराना है पर्यावरण में क्योंकि अभी पाठ को हम चार दिन ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं तो उसके प्रश्न उत्तर और रिक्त स्थान कराएंगे प्रकृति में भी पार्ट दो के प्रश्न और उत्तर कराएंगे एंड लास्ट है बीस अप्रैल की चटरी जिसमें हमें हिंदी में क्योंकि ये आकलन का दिवस है आकलन होगा इस दिन तो मौखिक कहानी सुनाना सबसे पहले बच्चों से कोई भी स्थानीय कहानी मौखिक रूप से सुनेंगे उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे सप्ताह में गए वर्णों अक्षरों शब्दों पर पुनरावृत्ति कर और आकलन कार्य किया जाएगा गणित में हमें साप्ताहिक आकलन करना है एक से बीस तक जो हमने गिनतियां सिखाई हैं उन्हें हम समूह कार्य से अलग अलग तरीके से बच्चों के साथ उसका आकलन करेंगे कि बच्चे उसे समझ चुके हैं या नहीं अगर नहीं समझे तो उसके साथ रेमेडियल कार्य करना है पर्यावरण में आप कौन से पैसे की समझ रखते हैं अब तक क्योंकि हम प्रश्नोत्तर करा चुके हैं तो अब हम बच्चों से इस चीज़ पर बात करेंगे कि वो कौन से पैसे के बारे में जानते हैं पाँचवा है प्रकृति जिसमें फिफ्थ क्लास में पाठ से संबंधित जो भी कठिनाइयाँ होंगी वो हम दूर करेंगे तो ये हो गई हमारी पंद्रह से बीस अप्रैल की भरी हुई शिक्षक डायरी